आज से संघ प्रमुख मोहन भागवत का यूपी दौरा शुरू हो रहा है। ये दौरा 3 दिनों का है और इस दौरे की शुरुआत आज वाराणसी से यानी काशी से हो रही है। अब से करीब 1.5 घंटे के बाद उनके वाराणसी पहुंचने का कार्यक्रम है। इस दौरे पर पक्ष और विपक्ष दोनों की नजरें हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि संघ प्रमुख का यह दौरा और उस दौरान होने वाली रणनीतिक बैठकें यूपी की सियासत में बीजेपी के बूस्टर डोज की तरह हो सकती है। कैसे, उसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पिछड़ने के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुपर एक्टिव मोड में दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी को संघ का साथ मिलने वाला है। यूपी में समाजवादी पार्टी की पीडीए मॉडल को पछाड़ने के लिए संघ यूपी में खुलकर कमान संभालने की तैयारी में है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है। सब कुछ तय होने वाला है, हर एक रणनीति पर पूरा मंथन होना है और मंथन के बाद यूपी में संघ का प्लान ऑफ एक्शन काम करना शुरू करेगा। इस पूरी प्रक्रिया का आगाज अब से कुछ देर बाद वाराणसी में होने वाला है, जब संघ प्रमुख मोहन भागवत वाराणसी पहुंचेंगे। अब से करीब 1.5 घंटे बाद संघ प्रमुख वाराणसी के सिगरा स्थित कार्यालय पहुंचेंगे, जहां वो देर रात तक संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहां तय होगा आखिर यूपी में छिटक गए वोटर्स को जुटाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। संघ अपने स्तर पर भी जांचेगा कि आखिर वोटरों में अचानक से भटकाव कहां से आया। यानी आप कह सकते हैं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ का विकास मॉडल काम करेगा तो दूसरी तरफ यूपी के वोटर्स को फिर से एकजुट करने के लिए संघ भी जमीन पर काम करेगा। अब सवाल ये उठता है कि संघ मैदान में अभी क्यों उतर रहा है, तो उसके पीछे यूपी में होने वाले 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हैं। इनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने की वजह से खाली हुई हैं, तो एक सीट सीसामऊ से विधायक इरफान सोलंकी को अयोग्य ठहराने की वजह से खाली हुई है। इन 10 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने हैं। इनमें से 5 समाजवादी पार्टी के पास और 5 एनडीए के पास थी। माना जा रहा है हिंदू वोटर्स में बंटवारे से बीजेपी को नुकसान हुआ है, ऐसे में संघ उन हिंदू वोटर्स को दोबारा एकजुट करने का प्रयास करेगा। संघ के प्लान यूपी को जमीन पर पुख्ता तरीके से उतारने के लिए संघ ने वरिष्ठ प्रचारकों के कार्यस्थलों में बदलाव किया है। हालांकि कहा तो जा रहा है कि मंडल स्तर पर शाखा विस्तार का लक्ष्य पूरा न होने की वजह से बदलाव हुआ है, लेकिन इस बदलाव के पीछे यूपी में गिरते बीजेपी के वोट बैंक को बढ़ाने के टारगेट को भी अहम वजह माना जा रहा है। इसके तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह क्षेत्र संपर्क प्रमुख मनोज कुमार का केंद्र अयोध्या से हटाकर गोरखपुर किया गया है। मनोज अवध और काशी प्रांत में भी सह प्रांत प्रचारक रह चुके हैं। अखिल भारतीय सह गो सेवा प्रमुख नवल किशोर का केंद्र प्रकृति भारती मोहनलालगंज लखनऊ में किया गया है, वो अभी तक गोरखपुर में थे। पूर्व क्षेत्र सेवा प्रमुख युद्धवीर को सुल्तानपुर से हटाकर सेवा भारती कार्यालय काशी से जोड़ दिया गया है। मुख्य मार्ग संपर्क प्रमुख राजेंद्र सक्सेना का केंद्र काशी से लखनऊ और पर्यावरण प्रमुख अजय कुमार का केंद्र काशी कर दिया गया है। पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक प्रमुख राजेंद्र सिंह का केंद्र कानपुर से हटाकर भारती भवन लखनऊ कर दिया गया है। इन सब के बीच यूपी में मिले फीडबैक के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब युवाओं पर फोकस करने जा रहा है। संघ भी रोजगार सृजन और युवाओं को जोड़ने का काम करेगा। युवा बिजनेसमैन को जोड़ने के लिए अलग से शाखा शुरू करने पर चर्चा हो रही है। रोजगार बढ़ाने की योजना पर भी काम तेजी से कर रहा है संघ। इन सारे प्लान को जमीन पर उतारने के लिए मोहन भागवत 3 दिनों के वाराणसी दौरे पर हैं। उनके पूरे प्लान के बारे में हम आपको बताएं। उसके बीच बीजेपी की बड़ी नेता और राम मंदिर आंदोलन की सहभागी उमा भारती ने अयोध्या में हार पर बीजेपी में उपजे असंतोष पर बड़ा बयान दिया है। निश्चित रूप से सीटें कम हुई है और इसमें बीजेपी अपने लेवल पर समीक्षा करेगी। मुझे अपना जो इनपुट देना होगा, आपको हिंदू समाज का मन समझना पड़ेगा। हिंदू समाज ना समाज व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को एक नहीं करता, ये इस्लामिक समाज है जो धर्म और समाज की व्यवस्था को एक करके चलता है। इसलिए वोट वो सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप है, लेकिन इससे उनकी राम भक्ति कम हो गई या वो राम के भक्त नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो यूपी में जो कुछ हुआ उस दर्द पर मरहम लगाने और दोबारा यूपी को बड़ा गढ़ बनाने के लिए आरएसएस और बड़े सहयोगी पूरा जोर लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जोर उपचुनाव में कितना असर दिखाएगा, जिसे 2027 विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए हम आपको बताते हैं कि मोहन भागवत के 3 दिन के दौरे में वो क्या क्या कर सकते हैं, कहां कहां जा सकते हैं। वाराणसी जाएंगे सबसे पहले, 7:30 बजे पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत काशी। एयरपोर्ट से सिगरा कार्यालय जाएंगे वो सीधे।
देर रात पदाधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक होनी है। ये सब कुछ वाराणसी में ही होगी। संगठन और यूपी के मिशन पर चर्चा होगी, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी। उसके बाद वाराणसी में ही वो आज रात्रि विश्राम करेंगे और 1 जुलाई यानी कि कल सुबह वाराणसी में ही तिलक नगर शाखा जाना प्रस्तावित है और उसके बाद यानी कल मोहन भागवत गाजीपुर और मिर्जापुर दौरे के लिए निकल जाएंगे। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हामिद की पुस्तक का वो विमोचन करने वाले हैं गाजीपुर में 1 तारीख को। हथियारा मठ जाने का भी उनका कार्यक्रम है और उसके बाद वहीं से वो मिर्जापुर में देवराहा बाबा के आश्रम भी जाएंगे और वहीं पर उनका कल रात्रि विश्राम भी होगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि 2 जुलाई को मिर्जापुर से ही वो वाराणसी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये है उनका पूरा कार्यक्रम। तो संघ प्रमुख काशी दौरे पर आ रहे हैं 3 दिन के लिए, लेकिन इस दौरान गाजीपुर और मिर्जापुर भी उनको जाना है, लेकिन पूरा फोकस है मिशन यूपी पर। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। हम बात कर रहे थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की। योगी सरकार में माफिया, गुंडों और बदमाशों के लिए जीवन मुश्किल हो गया। उनके एक्शन से हर दिन किसी ना किसी माफिया और गुंडे की बर्बादी की तस्वीरें सामने आ जाती हैं और ऐसी ही तस्वीरें मुरादाबाद से लेकर बरेली से भी आई हैं, जहां माफिया और गुंडों पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसा बुलडोजर एक्शन दिखाया है जिसके बाद आगे अपराध करने वालों की रूह कांप रही है, रहम की गुहार लगा रहे हैं वो। और अब यही सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने गलती से भी गलती क्यों की। मेरा वचन ही मेरा शासन, जी हाँ, कि योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश, जिन्होंने दूसरी बार भी सत्ता में आने के बाद जनता से प्रण किया था, वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडों का राज नहीं होने देंगे, और आज जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उसी वायरस के समूल नाश में किए जा रहे एक्शन की वानगी। ये वानगी है कि यहाँ न जाति देखी जाती है, न धर्म, न पार्टी देखी जाती है, न कैडर, देखा जाता है तो सिर्फ इंसान और गुनाह। हर एक तस्वीर में हुए इंसाफ से आपको वाकिफ कराएंगे। ये 3 तस्वीरें यूपी में योगी आदित्यनाथ के इंसाफ की कहानी बयां कर रही है। पहली तस्वीर मुरादाबाद की है। घर में घुसकर महिला के अपहरण का गुनाह करने वाले मुख्य आरोपी के अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने खाक में मिला दिया। तो दूसरी तरफ बरेली में सरेआम सरे बाजार गोलीबारी कराने के मामले में पूर्व बीजेपी विधायक पप्पू हड़ताल और राजेश मिश्रा के बैंक्वेट हॉल को फिलहाल सील किया गया है। तो उनके करीबी बिल्डर राजीव राणा के घर और होटल को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। तो तीसरी तस्वीर बरेली गोलीकांड के दूसरे पक्ष और आरोपी आदित्य उपाध्याय के मैरिज हॉल पर चल रहे बुलडोजर एक्शन की। कुछ अवैध और अतिक्रमित निर्माण वहां पर पाए गए, जिसके संबंध में जो अवैध अतिक्रमण था उसको मौके से हटाया गया है पुलिस और राजस्व की संयुक्त कार्रवाई के तहत, और उसी के तहत ये अभियुक्त महफूज और अभियुक्त भूरा, इनके यहाँ पर कार्रवाई हुई है। इसमें सबसे ताजा मामला बरेली गोलीकांड के आरोपी पूर्व बीजेपी विधायक पप्पू भड़ताल और उनके करीबी बिल्डर राजीव राणा का है। 22 जून को बरेली में एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त गोलीबारी हुई। ये देखिए, ये उसी समय की तस्वीरें। इन तस्वीरों ने समूचे बरेली में हड़कंप मचा दिया था। इस गोलीकांड में बीजेपी के पूर्व विधायक पप्पू भड़ताल और राजीव राणा के साथ आदित्य उपाध्याय का नाम प्रमुखता से ऊपर आया था, जिसके बाद योगी सरकार की पुलिस ने पूर्व बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा के बैंक्वेट हॉल को सील किया, जिसमें बिना नक्शा पास कराए लक्ष्य नाम से रिजॉर्ट बन रहा था। तो इसी केस में राजीव राणा के घर, दफ्तर और होटल पर भी बुलडोजर चलाकर उसको समतल कर दिया गया। उसके बाद बारी आई आदित्य उपाध्याय के मैरिज लॉन की, जो गोलीकांड में दूसरे पक्ष की तरफ से आरोपी था। उसके खिलाफ भी योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन वाला हंटर चलाया। अब तक इस केस में 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने अब एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी कर ली।
ये तस्वीरें कह रही कि योगी 2.0 में माफिया और गुंडों की स्थिति बद से बदतर होने वाली है। योगी ने ठान लिया है, उनका वचन ही उनका शासन है, और जब जब जहां भी जनता के सामने गुंडागर्दी और माफियागिरी दिखाई जाएगी, योगी का शासन उनके होश खाकता कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ यूपी में कानून व्यवस्था की मिसाल दी जा रही है, माफिया कांप रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में दंगाई बेलगाम है। शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब ममता बनर्जी के राज्य में हिंसा की खबरें नहीं आती होंगी। आज फिर हावड़ा में दो गुटों के बीच जमकर भिड़ंत की तस्वीरें सामने आई। वीडियो इतनी भयावह है कि कोई भी खौफ खा जाए। इस हिंसा के बाद पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर बंगाल के चरित्र में इतनी हिंसा क्यों है? चुनाव खत्म हो गए लेकिन पत्थरबाजी और बमबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और काफी देर तक सड़कों पर ऐसे ही पत्थरबाजी होती रही और लोग एक दूसरे को निशाना बनाते रहे। इस हिंसा में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। रविवार सुबह से इस मुंशीडांगा एरिया में फिर और एक बार टीएमसी के दो पक्ष, जो पंचायत मेंबर है उसके साथ तृणमूल का एक जो सपोर्टर है, उन दोनों का साथ लड़ाई हो गया और इस एरिया में लगातार पत्थरबाजी या बॉम्बिंग का घटना भी हुआ। उसके बाद गोटा एरिया में, पूरा एरिया में अभी जो देख रहे हैं हम लोग, सेंट्रल फोर्स और स्टेट पुलिस अभी मुतैन गया है। दरअसल इस बवाल की वजह पुरानी है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक शेख फारूक और माफिजुल नाम के दो शख्स के बीच लंबे वक्त से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। एक शख्स अपना घर बनवा रहा था तो दूसरा उसे रोक रहा था। इस बात को लेकर मामला इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। फिलहाल मौके पर तनाव है, जिसके बाद इलाके में भारी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। शनिवार को भी कूच बिहार में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता के साथ मारपीट की खबर आई थी। महिला कार्यकर्ता से हिंसा की खबर के बाद बीजेपी मामले की जांच में जुटी है। आरोप है कि बीजेपी की अल्पसंख्यक महिला कार्यकर्ता के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया। एक बार फिर हिंसा की खबरों से ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर हैं। पुलिस टीएमसी के एक प्रकार से असिस्टेंट के रूप में काम करती है, तो राहुल गांधी खामोश है। ममता जी के लोग संविधान लेकर चलते हैं, वहां दिखाई नहीं पड़ता है क्या? लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य, किसी पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा गलत है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बंगाल में हिंसा की रोज खबरें आती रही, तो चुनाव के बाद भी बंगाल में हिंसा बदस्तूर जारी है। हालात ये है कि बीजेपी कार्यकर्ता अपना घर बार छोड़कर शिविर में रहने को मजबूर हैं, तो कई लोगों के बंगाल से पलायन होने की भी खबरें आ चुकी हैं। एक तरफ बंगाल में दंगाई बेलगाम है, तो दूसरी तरफ बंगाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल के गवर्नर सीवी बोस का दावा है कि राज्य में राजकोषीय हालात ठीक नहीं है, जो दीदी के राज में गंभीर खामियों को दिखाती है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य की बिगड़ती आर्थिक हालत पर ममता बनर्जी एक श्वेत पत्र जारी करें। देयर इज ग्रोइंग वायलेंस इन मेनी पॉकेट्स ऑफ बंगाल, पर्टिकुलरली कूच बिहार। आई विल इमीडिएटली आस्क ए रिपोर्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर अपॉन द अथॉरिटी वेस्टेड इन द गवर्नर अंडर आर्टिकल 167 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी एक्शन या कार्रवाई की बात कही हो। हाल ही में ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर राज्यपाल सीवी बोस ने हाईकोर्ट में दीदी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ दिनों में दीदी के बंगाल में कब कब हिंसा हुई है, ये देखिए आंकड़े हैं। 28 जून को कूच बिहार में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की पिटाई की गई, और उसके बाद 15 जून को नॉर्थ 24 परगना की घटना है, जहां पर व्यापारी पर फायरिंग हुई। 6 जून को नॉर्थ 24 परगना की घटना, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोप लगा। 13 मई को बीरभूम में हिंसा की कई घटनाएं हुई, कई ऐसी खबरें आई। 13 मई को वर्धमान में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई।
7 मई को मुर्शिदाबाद में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई, यानी एक के बाद एक कई हिंसा की खबरें। संसद में जय फिलिस्तीन नारा लगाकर हैदराबादी भाईजान लगातार सियासी निशाने पर हैं, तो कई जगहों पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। और इस बीच आज फिर राजधानी दिल्ली में बजरंग दल ने ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये रिपोर्ट देखिए। जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाह अकबर, जय भीम, जय मीम। संसद भवन में हैदराबादी भाईजान ने फिलिस्तीन पर नारा तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस नारेबाजी के बाद देश भर में सियासी संग्राम मचा हुआ है। अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज वीएचपी और बजरंग दल ने दिल्ली में ओवैसी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में ओवैसी के खिलाफ बैनर और पोस्टर, जुवा पर नारेबाजी। हालात को देखते हुए दिल्ली पुलिस के जवानों ने पहले से ही बैरिकेडिंग लगा दी थी। बावजूद इसके वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और ओवैसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने अपने हाथों में तस्वीरें और पोस्टर उठा रखे थे, जिन पर लिखा था, संसद की मर्यादा तोड़े ऐसे सांसद, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे तमाम लोगों को वहां से हटाया भी, लेकिन भीड़ काफी देर तक हैदराबाद के सांसद ओवैसी के खिलाफ नारेबाजी करती रही। फिलिस्तीन पर ओवैसी की नारेबाजी के खिलाफ मचे बवाल की अगली तस्वीर देखिए। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मुलन शहर की है, जब हिंदुवादी संगठनों ने हैदराबादी भाईजान के खिलाफ पुतला फूंका। यहाँ भी प्रदर्शनकारियों ने ओवैसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति से ओवैसी की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की। शपथ लेने के उपरांत जय फिलिस्तीन कहा है, जो हमारी राष्ट्र की अस्मिता और हमारे राष्ट्र के गौरव पर एक प्रकार से प्रहार किया है। ऐसे देश विरोधी मानसिकता वाले सांसदों की सदस्यता निरस्त की जाए। ओवैसी पर गुस्से में मुसलमान, अब क्या करेंगे हैदराबादी भाईजान। जय फलस्तीन। ओवैसी ने संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा तो लगा दिया, लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ हिंदुवादी संगठन ही उनके बयान से गुस्से में नहीं है, बल्कि पसमांदा मुसलमान भी गुस्से में लाल हैं। उत्तर प्रदेश में पसमांदा मुसलमानों के अध्यक्ष ने ओवैसी पर क्या कहा, सुनिए। ओवैसी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो इस तरह का बयान देते हैं। तेलंगाना में बैठकर मुसलमानों के ठेकेदार बनने का हक उन्हें किसने दिया। देश में सबसे ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की प्रगति के लिए आज तक कुछ नहीं किया। पसमांदा समाज ओवैसी के बयानों से सहमत नहीं है। पसमांदा समाज ने 3 अगस्त को एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करने का फैसला लिया है, जिसमें समाज की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को ओवैसी की आवाज पर लगी नेम प्लेट पर एक शख्स ने कालिक पोत दी थी। इसके साथ ही कुछ पोस्टर भी लगाए, जिसमें ओवैसी के संसद में लगाए गए नारों का विरोध किया गया। हालांकि बाद में आरोपी शख्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया। उधर बीजेपी लगातार ओवैसी की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग पर अड़ी है, लेकिन ओवैसी सफाई देने में लगे हैं। ओवैसी ने जो ओथ लिया है, देश को अपमान किया है। फिलिस्तीन जिंदाबाद, जय फिलिस्तीन कहना ये कानूनन अपराध है और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। Let them do whatever they want. I also a little bit of constitution. These empty threats will not work on me. जय फिलिस्तीन। हालांकि संसद में ओवैसी के जय फिलिस्तीन कहने के बाद बीजेपी सांसदों के कड़े विरोध के बाद प्रोटेम्प्ट स्पीकर ने उनका बयान लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया था, लेकिन ये हंगामा अभी कितना लंबा खींचेगा कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक दिल दहलाने वाले हिंसा 2 साल पहले राजस्थान में हुई थी, आपको याद होगा। 28 जून 2022 को उदयपुर में हुए कन्हैया लाल मर्डर केस को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है। इस हत्याकांड का वीडियो आरोपियों ने खुद सोशल मीडिया में पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया था। घटना के 150 गवाह भी हैं। बावजूद इसके 2 सालों से केस का ट्रायल चल रहा है और कन्हैया का परिवार अदालत की चौखट से इंसाफ का
इंतजार कर रहा है। राजस्थान का शांत रहने वाला शहर उदयपुर 28 जून 2022 को उस समय सुर्खियों में आ गया जब वहां हुई एक दिल दहलाने वाली वारदात ने लोगों के होश उड़ा दिए। 28 जून 2022 के दिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। वहां 40 साल के एक शख्स की गला काटकर सरे बाजार हत्या कर दी गई और इस घटना के 2 साल बाद भी मृतक का परिवार आज भी इंसाफ की आस में मदद की गुहार लगा रहा है। 28 जून 2022 को टेलर कन्हैया लाल की उन्हीं की दुकान में हत्या कर दी गई। आरोपियों ने कन्हैया लाल की बेरहमी से गला काटकर हत्या की। हत्या का आरोप मोहम्मद गौस और मोहम्मद रियाज पर लगा जो कपड़े सिलवाने के बहाने उनकी दुकान पर आए थे और कपड़ों की नाप लेने के दौरान धारदार हथियार से उनका गला काट दिया। इसके कुछ दिन बाद फरार दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केस से जुड़े कुल 9 लोगों को पुलिस ने पकड़ा जिसमें एक आरोपी की रिहाई हो गई जबकि 8 लोग अभी भी जेल में बंद हैं और केस चल रहा है। इस घटना के 150 से ज्यादा गवाह हैं, लेकिन बावजूद इसके पीड़ित परिवार को अब तक इंसाफ नहीं मिला है। तो हम ये लगा के रखे जल्द से जल्द उनको फांसी दे दे तो हमको थोड़ी शांति मिले, ये उम्मीद है हमारी। हमारे ने तो कई त्योहार मनाने की इच्छा होती है, ने कुछ खुशियां हमारे सब छीन गई, उनके साथ चली गई। ये मामला NIA की कोर्ट में चल रहा है और गवाहों के अभी भी बयान लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से जानकारों का मानना है कि फैसला आने में 20 साल का समय भी लग सकता है। वहीं इस केस से जुड़े आरोपियों को अजमेर की जेल में रखा गया जहां उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं देखा गया। वहीं मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस और मोहम्मद रियाज जेल में पढ़ाई कर रहे हैं और इस दौरान उनका वजन भी बढ़ा है जिससे साफ होता है कि जेल में वो बड़े आराम से रह रहे हैं। अभी तो जेल के हिसाब से उनका व्यवहार बड़ा नॉर्मल है। कभी कभार अगर उनको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और कहीं कोई विलंब हो जाता है तो वो थोड़ी अग्रेशन दिखाते हैं। कन्हैया लाल की हत्या करने के दौरान मोहम्मद गौस और मोहम्मद रियाज ने इसका वीडियो भी बनाया था जिसे खुद उन्होंने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। बताया जाता है कि दोनों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। कन्हैया लाल के परिवार में उनकी पत्नी और बेटे हैं जो आज भी इंसाफ के इंतजार में हैं। 2 साल पहले कन्हैया लाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का समर्थन किया था। ये विवादित पोस्ट BJP नेता नुपुर शर्मा की थी जिसके बाद कन्हैया लाल को धमकियां मिलने लगी। कन्हैया लाल ने पुलिस में इसके खिलाफ केस भी दर्ज कराया लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 28 जून 2022 को कन्हैया लाल की उन्हीं की दुकान में हत्या कर दी गई। वहीं आरोपियों को पकड़वाने में मदद करने वाले राजसमंद के 2 लोगों को सुरक्षा दिए जाने का वादा किया गया था लेकिन सुरक्षा न मिलने से वो आज भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आज के से BJP गवर्नमेंट है, हम यही चाहते हैं कि BJP गवर्नमेंट से हमारे को सुरक्षा प्रदान करावे क्योंकि वो आतंकित है और हो सकता है कि आज नहीं आने वाले समय में कभी भी वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। कन्हैया लाल की जिस तरह से हत्या हुई उसने पूरे देश को झकझोर दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि भारत में इस तरह से तालिबानी हत्याकांड को अंजाम दिया जा सकता है। वहीं कन्हैया लाल का परिवार आज भी हत्यारे रियाज और गौस मोहम्मद की फांसी की मांग कर रहा है। कन्हैया के बड़े बेटे यश साहू ने आरोपियों को फांसी नहीं दिए जाने तक बाल नहीं कटवाने और पैरों में जूते नहीं पहनने का संकल्प लिया है। हमसे तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि आपके केस को फास्टिंग में ले जाया जाएगा, जल्द से जल्द 3 से 6 महीने के अंदर अपराधियों को सज़ा दे दी जाएगी। सारे वादे धरे के धरे रह गए, 2 साल हो गए उस बात को। रोज़ सुबह उठते तो लगता है कि मतलब आज इन अपराधियों को सज़ा मिलेगी, आज ये न्यूज़ आएगी या कोई फ़ोन करके बोल देगा कि नहीं तो बड़े अपराधियों को फांसी की सज़ा होगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। परिजनों ने अब तक कन्हैया लाल की अस्थियों का विसर्जन भी नहीं किया है और उनका कहना है कि जब हत्यारों को फांसी होगी तभी वो अस्थियों का विसर्जन करेंगे, यही उनके पिता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक अच्छी खबर, प्रयागराज एक बार फिर महाकुंभ के आयोजन की तैयारी में जुट गया है। इस बार का आयोजन कई मायनों में खास होगा, श्रद्धालुओं की संख्या के रिकॉर्ड टूटेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी की योगी सरकार इस बार बेहद खास तैयारी करने की योजना पर काम कर रही है।
साथ ही इस बार व्यवस्था को मैनेज करने में एक ऐसी तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है जिस पर आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की नजर होगी। विज्ञान के साथ विरासत, तकनीक के साथ भक्ति, आधुनिकता के साथ आध्यात्म, अगर आप भी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले में शामिल होने की सोच रहे हैं तो इस धार्मिक सफर को और सुविधाजनक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी मदद करेगा। 13 जनवरी 2025 से आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में इस बार एआई की भूमिका अहम होने वाली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारी इस काम में जुट गए हैं। इसके लिए एआई तकनीक से लैस वेबसाइट और मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है जो यूजर फ्रेंडली और इंटरेक्टिव होगा। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड को 6 महीने का टारगेट समय दिया गया है। जनरेशन एआई चैटबॉट के जरिए अलग अलग भाषाओं में रहने की व्यवस्था, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और ट्रेवल प्लानिंग की जानकारी दी जाएगी। साथ ही लोकल ट्रांसपोर्टेशन, शाही स्नान, पारंपरिक कार्यक्रम की भी जानकारी मिलेगी। मतलब मेले से जुड़ी हर जानकारी श्रद्धालुओं से केवल एक क्लिक की दूरी पर मौजूद रहेगी। रहने, खाने, घूमने और सुरक्षा की हर डिटेल इंफॉर्मेशन आपका स्मार्टफोन आपको देगा और वो भी रियल टाइम अपडेट के साथ, जिसके लिए एआई की मदद ली जा रही है। गंगा, यमुना और सरस्वती के इस पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए करीब 25 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले भक्तों को काबू करना एक बड़ी चुनौती होती है। पिछली बार 20,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने सीसीटीवी कैमरे और तकनीक की मदद से इस आयोजन को सफल बनाया था। इस बार इन पुलिस कर्मियों को एआई तकनीक की भी मदद मिलने वाली है। एआई की मदद से भीड़ भाड़ वाले इलाके पर नजर रखी जाएगी। एआई तकनीक के जरिए स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधा के नए पैरामीटर्स स्थापित किए जाएंगे। वैसे तो महाकुंभ मेले का सफल आयोजन ऐसी ही दुनिया के लिए रिसर्च का बहुत बड़ा विषय है, लेकिन पहली बार आस्था और परंपरा के वर्षों पुराने आयोजन में दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रयागराज में कुंभ के इंतजाम के लिए एआई तकनीक इस्तेमाल की जा रही, तो वहीं जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के दौरान धार्मिक तनाव फैलाने की साजिश तेज हो गई। जम्मू के रियासी इलाके में कुछ लोगों ने एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ की और मूर्तियों को खंडित कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के शुरू होते ही जम्मू कश्मीर में तनाव फैलने की साजिश भी तेज हो गई है। रियासी इलाके में कुछ लोगों ने एक मंदिर में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद वहां तनाव का माहौल बन गया। बताया गया कि रियासी के धारमाड़ी इलाके के एक शिव मंदिर में बीती रात कुछ लोग आए और उन्होंने मंदिर में पत्थर फेंके और तोड़फोड़ भी की। इसकी जानकारी जब इलाके के लोगों को मिली तो हंगामा हो गया। देर रात ही बड़ी तादाद में लोग मंदिर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया गया कि जम्मू के रियासी में शिव मंदिर में तोड़फोड़ हुई। आरोपियों ने मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया। शिव मंदिर में हुई इस तोड़फोड़ से इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद स्थानीय और हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। रियासी के अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन हुए। नाराज लोगों ने धरना दिया और आगजनी भी की। इलाके में बढ़ते तनाव को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे और घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जो भी रियासी का, डिस्ट्रिक्ट का किसी भी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। FIR भी लगेगी, आदमी अरेस्ट भी होगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो धाराएं होनी चाहिए जिसके तहत उस आदमी के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए वो सारी लगेंगी। पुलिस के भरोसे के बाद भी मंदिर में हुई तोड़फोड़ पर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इसके बाद गुस्साए लोगों ने रियासी में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। सड़कों पर बैठकर धरना दिया गया तो कहीं टायर जलाकर रास्तों को जाम किया गया। इस दौरान लोगों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का वक्त दिया।
इस बीच जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था पंथा चौक आधार शिविर से रवाना कर दिया गया। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ नजर आई, जो वहां भोले का जयकारा लगाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान वहां सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम नजर आए। हर कोने पर सुरक्षा बल के जवान तैनात दिखाई दिए। साथ ही वहां से गुजरने वाली हर गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। इस दौरान यात्रा कर रहे लोग बेहद खुश नजर आए और उन्होंने व्यवस्थाओं की तारीफ भी की। यहाँ के जो श्राइन बोर्ड की जो सारी जितने भी टेंट कैंप लगे, जो हमारी सेवा में लगे हैं, तत्पर बहुत अच्छी तरह खूबसूरत से हमारी सेवा करते हैं। हर तरह की सुविधा मिलती है और कन्वेंस वगैरह बहुत अच्छा, जो मिलिट्री का यहाँ का योगदान हमारे साथ है, जो हमारे साथ सहयोग दे के चलते हैं, इन्हीं की बदौलत हम लोग यात्रा में सफल होते हैं। जो भी यहाँ पे मतलब CRPF है और भी जितने भी यहाँ पे कैंप वगैरह लगे हुए हैं, सुविधाएं बहुत अच्छी है यहाँ पे। इससे पहले 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के पहले दिन करीब 10,000 भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। यही वजह है कि भक्तों की इस भारी भीड़ को देखते हुए कुछ लोग धार्मिक तनाव फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। रियासी में हुई घटना की भी यही वजह मानी जा रही है, जिस पर की विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात करते हैं कुदरत के हमले की। नॉर्थ इंडिया में मानसून की दस्तक हो चुकी है, मगर शुरुआती बारिश के बाद ही शहर दर शहर लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई। पहाड़ों से लेकर मैदान तक नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, तो वहीं शहरों में वाटर लॉगिंग ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मानसून की पहली बारिश में बिगड़े हालात से कैसे शहर शहर दहशत में है, इस रिपोर्ट में देखिए। संयम बरतें और नहाने में जो है नदी के अंदर ना घुसे। आपको दोबारा से बताया जा रहा है। मॉनसून की पहली बारिश, उत्तर भारत पे तबाही। पटना, दिल्ली, गुजरात जल प्रलय से हाहाकार। सूखी नदी में गंगा की धार, साथ बहा ले गई कार। मॉनसून की दस्तक, शहर दर शहर बढ़ी मुसीबत। मॉनसून की बूंदों ने उत्तर भारत के लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन कुछ ही पलों में ये राहत आफत में बदल गई। दिल्ली में वाटर लॉगिंग ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। गुजरात में बारिश के पानी ने गाड़ियों की रफ्तार रोक दी। पटना के रिहायशी इलाकों में बाढ़ के पानी की दस्तक है। मुरादाबाद में लोग सड़क पर नाव लेकर चल रहे हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की है। नदी फिलहाल अपना रौद रूप दिखा रही है। पहाड़ों में हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पानी की ये रफ्तार आगे वाले खतरे के लिए आगाह कर रही है। बीते 24 घंटों में गुजरात के अलग अलग हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। हालांकि इसी बारिश ने लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत जरूर दी है। इसी वजह से लोग अपने घरों से निकलकर मॉनसून की पहली बारिश का आनंद ले रहे हैं। वहीं बारिश के बाद आई वाटर लॉगिंग ने शहर की सूरत ही बदल दी। गुजरात की सड़कों पर हवा से बात करने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर बारिश ने ब्रेक लगा दिया है। कई इलाकों में तो पानी की चपेट में आने से दोपहिया और चार पहिया वाहन खराब हो गए, जिसकी वजह से लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी का जलस्तर कितना ज्यादा है, उसे इस तस्वीर से समझा जा सकता है, जहां बाइक बारिश के पानी में जल समाधि ले चुकी है। सड़कों के साथ साथ बारिश के पानी ने दुकानों और मकानों में भी दस्तक दे दी, जिससे व्यापार और आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मॉनसून की बारिश का असर भक्तों पर भी पड़ रहा है। द्वारकाधीश मंदिर में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश जारी है, जिससे कृष्ण के भक्तों की परेशानी बढ़ गई है। गुजरात के वलसाड़ में बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। बीते 48 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया है। वलसाड़ में हल्की बारिश ने ही नगर निगम की तैयारियों के पोल खोल दिए। अंडरपास में पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह बाधित है। हर बार की तरह इस बार भी नॉर्थ ईस्ट पर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। कुछ ही घंटों की बारिश से हालात खराब हो गए। भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी CRPF के कैंप में भी जा पहुंचा, जिसकी वजह से हमारे जवानों की भी परेशानी बढ़ गई है। यूपी के भी कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं,
जहां लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं मथुरा में मॉनसून की पहली बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। रिहायशी इलाकों में लोगों की छाती तक पानी जमा है। हर जगह फैला कुएं का अंबार बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। बिहार की राजधानी पटना पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वीआईपी इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम है। नाले का पानी सड़कों पर आ चुका है। जगह जगह गाड़ियों की लंबी कतार है। अब सवाल है कि अगर मॉनसून की शुरुआती बारिश से ऐसे हालात हैं, तो आने वाले दिनों में और किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मॉनसून की शुरुआत होते ही 11 दिन के भीतर बिहार में 5 पुल ने जल समाधि ले ली और ऐसा लग रहा है कि बिहार में पुल टूटने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला। बिहार में बनने वाले पुलों का दो सिरा तो नहीं जुड़ पाता, लेकिन टूटते पुल सियासत के सिरे को जरूर जोड़ रहे हैं। बिहार में पुल कौन गिरा रहा है, इसका जवाब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ढूंढ निकाला है। एक वक्त जो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार पर साजिश का आरोप लगाते थे, वो अब उसी साजिश को बिहार में गिरते पुल का विलेन बता रहे हैं। देखिए, चिंता का विषय है कि पुल गिर रहे हैं, काहे पुल गिरे हैं, तो ऐसा तो लगता है कि साहब उसमें खराब मटेरियल लगा होगा। पिछले साल की ही तो बात है, नवंबर का महीना था, जीतन राम मांझी नीतीश सरकार पर ना जाने क्या क्या आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब साल के साथ साथ बिहार का सियासी कैलेंडर भी बदल चुका है। बिहार में एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं और एक वक्त नीतीश कुमार को कोसने वाले जीतन राम मांझी बिहार सरकार को बचाने में जुटे हैं। चिंता का विषय है कि पुल गिर रहे हैं, काहे पुल गिरे हैं, तो ऐसा तो लगता है कि साहब उसमें खराब मटेरियल लगा होगा। लेकिन आज से 15 दिन पहले या एक महीना पहले पुल क्यों नहीं गिर रहा था, या अभी क्यों गिर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है। सुना आपने, जीतन राम मांझी को लग रहा है कि गिरते पुल के पीछे भ्रष्टाचार की नींव नहीं बल्कि साजिश वाली सियासत है। असल में 18 जून को अररिया में 12 करोड़ की लागत से बन रहा पुल ध्वस्त हो गया था। 22 जून को सीवान में गंडक नदी पर बना पुल गिर गया था। 23 जून को पूर्वी चंपारण में लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल ध्वस्त होने का मामला सामने आया था। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। 27 जून को किशनगंज में कंकाई और महानंदा नदी को जोड़ने वाली छोटी सहायक नदी पर बन रहा पुल ध्वस्त हो गया और 28 जून को मधुबनी जिला के झंझारपुर में एक और निर्माणाधीन पुल गिर गया। हालांकि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने खुद ठेकेदारों द्वारा घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल की बात भी स्वीकार की थी। सरकार अपने तरफ से जो पुल गिरे हैं उसके ठेकेदार एवं इंजीनियर पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और आगे ऐसा न हो, इसके लिए भी सरकार सचेष्ट है। इन सभी मामलों में कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई। अब सवाल ये है कि क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। बिहार से सटे झारखंड में भी ब्रिज पॉलिटिक्स का दौर जारी है। झारखंड के गिरडीह में अरगा नदी पर बन रहा पुल पहली ही बारिश में धराशायी हो गया। इस घटना के बाद झारखंड में पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। बीजेपी जहां राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सरकार इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है, यानी वही घिसा पिटा जवाब। अगर कोई क्लोज मॉनिटरिंग करता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। अब आप सोचे, उस पुल की गुणवत्ता का अंदाज लगा सकते हैं जो पहली बारिश को नहीं झेल पाया। तो जब ये पुल चालू हो जाता तो उसके बाद तो यहाँ से गुजरने वाले हजारों लोगों की जान सांसत में होती। हम ये मांग करते हैं कि अविलंब इसकी जांच हो और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ओम नमः शिवाय कंस्ट्रक्शन कंपनी जो ये इस पुल का निर्माण करवा रही है, उन कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों से स्वाभाविक तौर पे जल्द बातचीत हो, क्या कारण है, पथ निर्माण विभाग इसका जांच करे। तो बिहार और झारखंड में पुल पर सियासत जारी है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी सियासी दल तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।